दोस्तों गवर्नमेंट के तरफ से एक बड़ी न्यूज आई है YouTube से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज में इस बात को बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइकली टू कम अप विथ गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू अपेरेंटली प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम पेड प्रमोशंस। द गाइडलाइंस आर एक्सपेक्टेड ईदर बाई नेक्स्ट वीक और विद इन 10 days। As per Mirror Now sources, the guidelines may include mandatory disclosure of any kind of promotional content, failing which a financially penalty could be imposed. The action will be taken under CCPA rules. तो दोस्तों जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब से अगर आप कोई भी पेड प्रमोशन करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। आपको टैग या कोई भी बैज ऊपर में चैनल के ऊपर या कहीं भी आपको दिखाना है कि आपके YouTube कंटेंट में आपने पेड प्रमोशन का टैग या बैज यूज़ किया है। पहले ये बात उतनी श्योरिटी में नहीं थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये बात पक्की कर दी है ये न्यूज़ लाकर कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। पेड प्रमोशन टैग या बैच कहीं भी आपको अपने वीडियो में अगर वो इंक्लूड है तो वो आपको ऐड करना है, वो आपको दिखाना है, डिस्क्लोज करना है, वरना आपको पेनल्टी भी लग सकती है जो कि 10 लाख से लेके 20 लाख तक हो सकता है। 10 लाख अगर आप सिंगल ऑफेंस करें, 20 लाख अगर आप रिपीटेड वायलेशन कर रहे हैं, बार बार आप नहीं, अगर आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं और आप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं अपने वीडियो पे, तो आपको 20 लाख तक जुर्माना हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है। तो आई होप अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, वरना आपके पास भी ये मेल या किसी तरह का नोटिस आ सकता है और आपको बिना वजह 10 लाख से 20 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।